happy birthday, many many happy returns of the day, sir. Thank you. नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सेटअप आज कुछ मुख्तलिफ है, यकीनन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सेटअप किस लिए है। जी हाँ, आज डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनकी बर्थडे है और हमारी पूरी टीम की जानिब से इनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। सर, आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। मैं एक बार फिर से आपको बताती चलूँ कि आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, ख़ास तौर पर हमारे एचआर के हेड ताहिर साहब मौजूद हैं, उनके उन्होंने और हमारी एक मैम है जिन्होंने ये सारी अरेंजमेंट करवाई है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी डॉक्टर साहब को अपनी नेक तमन्नाओं से ज़रूर नवाजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा उनकी बर्थडे के लिए और नेक विशेज़ के लिए। सर, थैंक यू सो मच, और सारी टीम का आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और मैं अब अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आप आज यहाँ पर आए और आपने डॉक्टर साहब को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद दी। सर, आपको थोड़ा सा आपका मुंह तो मीठा करवाना पड़ता है। ताहिर सर, आप मेरे ख्याल में आएँ और आप सर का जो है ना मुंह मीठा ज़रूर करवाएं। सर, मैं इधर से हैप्पी बर्थडे टू यू। सर प्लीज़। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में देखा कि आज हमने डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब की जो है बहुत खूबसूरती के साथ जो है सालगिरह मनाई है। थोड़ा सा तारुफ मैं इनका करवाती चलूँ, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं ये, लेकिन आपको थोड़ा सा इनके हवाले से मैं बताती चलूँ तो आप हाईटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को रन कर रहे हैं, इसके साथ साथ ट्रेड पॉलिटिक्स में भी बहुत फाल हैं और इसके साथ साथ चोलिस्तान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट के मेम्बर भी हैं, गोल्फ भी खेलते हैं, मीडिया हाउसेस भी ऑन कर रहे हैं और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी मसरूफियात हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपको बताते जाएंगे, लेकिन आज जो है हम बाकी प्रोग्राम से हट के कुछ बात करेंगे क्योंकि आज डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब की जो है वो सालगिरह है और आज हम उनके बारे में ही जानेंगे, उनका बचपन कैसे गुजरा, सालगिरह वो कैसे मनाते हैं और कितने शरारती थे, कैसे उन्होंने इतनी कामयाबियां समेटी, आज हम इस हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, वैसे तो पूछना मुनासिब नहीं है लेकिन कितने साल के हो गए आप? मेरी है 1955 की है मेरी जो है ना ईयर ऑफ बर्थ जो है ना, तो उस लिहाज से 67 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब इतने एक्टिव हैं, नो वन कैन जज दैट कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतनी एज के हो गए हैं। अल्लाह मियाँ आपकी और उम्र दराज करे, आपको यूं ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। ये बताइए डॉक्टर साहब मुझे कि बचपन से लेके आज तक किस तरह से मनाई आपने सालगिरह? देखें जी, फ्रेंकली स्पीकिंग एंड ट्रूली स्पीकिंग, ये इस तरह की बर्थडे तो पहली दफ़ा ही मनाई है मेरे लिए। तो जब व्हेन आई एंटर्ड द स्टूडियो इट वाज ए शॉकिंग प्लेयर फॉर मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोगों ने, सब सारे स्टाफ ने इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत और मेहनत करके ये सारा कुछ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि इस तरह की सरप्राइजिंग बर्थडेज आपको कितनी मिली है? नहीं, इतनी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग जो है ना वो तो ये पहली दफ़ा ही है, ऐसी नहीं कभी ज़िंदगी में हुई, होती रहती हैं फैमिली कई दफ़ा दोस्त कर लेते हैं लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट, ये ऐसी नहीं हुई पहले कभी। मतलब आपको फिर हमारा और हमारी पूरी टीम का जो सरप्राइज है वो अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इट वाज एक्सट्रीमली प्लेजेंट एंड अनइमेजिनेबल फॉर मी एंड अनफॉरगेटेबल आल्सो। थैंक यू सो मच सर। अच्छा आज हम जो है बाकी चीज़ों से हट के आज बात करेंगे, ये बताइए कि आपका बचपन कैसा गुजरा है? बचपन जो है ना जी मेरा बड़ा भरपूर था, भरपूर इस लिहाज से कि देखिए मैं बहुत जो है ना डाउन टू अर्थ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम मेरे वाला साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे वो जॉब करते थे बैंक में,
तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो भरपूर ज़िंदगी होती है ना, और जो खुशी होती है, और जो एक एक्टिव लाइफ है, इसका पैसे के साथ ना कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। ज़ीरो तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। मुझे ये पता है कि मैंने अपने बचपन में ना कोई शरारत ऐसी नहीं है जो नहीं की होगी। अच्छा, और मतलब काफ़ी शरारत बहुत है बहुत। अभी मैं देखता हूँ कि आजकल के जो मेरी, अगर जब मैं 5-6 साल का था ना, अब जो 5-6 साल के बच्चे हैं ना, वो मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि 90% जो बच्चे मेरे इर्द गिर्द, खासतौर पर ना मेरे हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे, अजीज़ों के बच्चे, ये मेरे 5-6 साल 7 साल की जो एज में मैं था ना, उसके ऑनवर्ड जब टीन एजर वगैरह, ये हमसे कोई, मेरे से तो कम से कम 1/10 शरारती हैं ये। इन्हें अच्छा? उन शरारतियों का पता ही नहीं जो हमने की हुई है। मतलब डॉक्टर साहब अच्छे खासे शरारती रहे हुए हैं। कुछ ये भी था ना, माहौल का फ़र्क पड़ गया। देखिए उन दिनों में ये होता है कि अगर आप के जो हमसाए हैं, हमसाए वाकई, जो एक कहावत है ना, हमसाया माँ जाया, अब वो रवायतें थोड़ी ना कम हो गई हैं। पहले ये होता था कि खेलते खेलते हमसायों के घर चले गए पूरा। अगर आप एक स्ट्रीट में रह रहे हैं, उस स्ट्रीट के अगर 10-20 घर हैं, वो सारे एक फैमिली होते थे। अगर जैसे ये आँख मचोली खेलनी है ना, तो वो एक दूसरे के घरों में भी छुप जाते थे। अब वो चीज़ें आप देखें ना, आपका बच्चे वैसे बच्चे को अपने घर से बाहर निकालने डरते हैं। अब तो वो देखो ना माहौल बदल गया, इसलिए अब वो ये जो अब हमारी जनरेशन परवान चढ़ रही है, ये बेचारी से लिहाज से मैं समझता हूँ कि मिजरी है इनके लाइफ की, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना ख़राब होगा कि वो शरारतें जो है ना जो हमने की हुई हैं, इनके पास ना उसका कुशन भी नहीं है। Right. कर नहीं सकते, करेंगे तो अब किसी घर में चले जाएं, वो अब है ही नहीं घर में जाके भी। सर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि वही वो ये बाकी जो टेबलेट्स आ गई हैं, इससे भी वो कन्फाइन हो गए हैं exactly. बच्चे हमारे ज़माने में तो देखो ना, टीवी जो है, ये टीवी जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है, मेरा ख्याल है मैं उस वक्त कोई 12-13 साल का था जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था। अच्छा। उससे पहले बातें लोग करते होते थे कि जी रेडियो में, तो लोग कहते कि रेडियो में तस्वीर आया करनी है, तो लोग कहते ये कैसे हो सकता है, रेडियो में तस्वीर कैसे आ सकती अच्छा। है, वो भी वक्त हमने वो भी देखा हुआ है ना, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मैं जहाँ तक आपका सवाल है ना कि ज़ाती तौर पर मैं बहुत शरारती था, उस शरारत से तो इसका मतलब है कि काफ़ी खुश मिजाज भी होते हैं, क्योंकि जो बंदा शरारत करता है उसका मिजाज अपना भी खुश ही होता है और वो खुश भी रहता है। आप किस तरह के थे? मैं शरारतें बहुत करता था, और कई दफ़ा ज़्यादा शरारतों का फिर जो अंजाम होता है वो फिर ठुकाई होता है, ठुकाई भी ठीक ठाक होती रहती थी। यानी मेरा ये होती थी कि वालदा से नहीं, वालदा से, वालदा साहब नहीं मारते होते थे। अच्छा? वालदा मारती थी, और वालदा का मारना क्या होता है कि उन्होंने जब मुक्का भी मारना है ना, तो हाथ दूर से लाना है, लेकिन जब बॉडी के पास आना तो हाथ को डेड स्लो कर लेना है। ऐसे ही। और मैं आपको उस वक्त की शरारतों में से एक शरारत ये बताता हूँ कि जब कभी होना ना कि वालदा ने कभी कोई एक ज़ोर से लग भी गई है ना, उनका कोई मुक्का लग गया या थप्पड़ लग गया, तो मेरी आदत होती है कि वो ना, अल्लाह उनकी मगफ़रत करे, वो शीशे की ना वो चूड़ियाँ पहनती होती थी। अच्छा। तो मैं क्या करते, जब मुझे मारती थी ना, तो मैं ना उनको उनकी चूड़ियाँ पकड़ के ना तोड़ देता हुआ था। अच्छा, वो चूड़ियाँ उनके बाजू में चुभ जाती थी। अब मेरा प्लान ये होता था कि जब अब्बा जान आएंगे ना, वो देखेंगे ना चूड़ियाँ टूटी, तो उनको पता होना कि अर्शद ने ना अर्शद को मार पड़ी है, और इसने चीज़ें, और उसमें फिर अम्मी जान के अब्बा जान के आपस में लड़ाई हो जाती थी। ये मेरा, और फिर ये होना कि इस तरह की मैं घर वैसे बड़ी दोस्तों के साथ बहुत शरारतें कर, हर गेम मैंने खेली हुई है। अभी तो लोग बच्चों को पता ही नहीं है, वो कैंचे खेलते थे शीशे की गोलियों से। अच्छा, हम खेलते थे मतलब फिर अखरोट, वो जो स्ट्रीट गेम्स जिनको कहा जाता है, हाँ, कोई गेम स्ट्रीट गेम नहीं कोई नहीं छोड़ी है। ये अखरोट खेले हुए हैं, ये शीशे के कैंचे खेले हुए हैं, फिर गुल्ली डंडा मैंने बहुत खेला हुआ है। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि गुल्ली डंडा और हॉकी मैंने दोनों बहुत खेली हुई हैं, और गुल्ली डंडा और हॉकी को मिला लेना तो गोल्फ बन जाती है। क्या कॉम्बिनेशन सर ने किया है। बिल्कुल, सर ने अपने बचपन के जितने स्ट्रीट गेम्स थी उनको इकट्ठा करके अब आके जो है डॉक्टर अर्शद साहब जो हैं वो गोल्फ में बहुत माहिर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो इनकी गेम ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब मुझे कि कितनी आसानियाँ आई ज़िंदगी में और कितनी मुश्किलें आईं। जहाँ तक मुश्किलों का सवाल है ना फरदाना, तो मुझे एक वो शेर है बड़ा मशहूर है, उसका एक मिसरा है, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो मुश्किलों से, मुश्किलें तो हर इंसान के जो होता है ना ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। हमारे वज़ीर साहब भी कहते हैं कि घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना है जी। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बचपन से लेके अब तक की तमाम बातें सुनी, यकीनन आपने उन्हें खूब एंजॉय भी किया होगा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपने
अगले प्रोग्राम में इससे भी ज्यादा अच्छी बातें करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी बिजनेस से रिलेटेड तमाम बातें भी आपको बताएंगे। हमारा अगला प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।